रविवार को कोलारस थाना अंतर्गत आने वाले टांगी ग्राम में लल्लू राम केवट की लाश खून से सनी हुई उसी के खेत पर पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद तत्काल घटना स्थल पर कोलारस थाना पुलिस ने घटना पर मुआयना किया था, जिसमें पाया गया था कि लल्लू राम केवट की हत्या अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट कर की गई है। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में कोलारस पुलिस द्वारा जब छानबीन की गई, तो पता चला कि आरोपी संदिग्ध का खेत मृतक के खेत से लगा हुआ है एवं आरोपी संदेही के रात को मृतक लल्लू राम केवट के खेत के आसपास होने की भी जानकारी मिली थी, जिस पर संदेही पूरन सिंह गुर्जर से जब पुलिस ने पूछताछ की और उसके घर पर तलाशी ली, तो घटना स्थल पर पहने हुए कपड़े एवं वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई लाठी बरामद हुई, जिसके आधार पर आरोपी पूरन सिंह गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा किया। आरोपी और क्या पूरा मामला? ये हत्या का अपराध इसने कारित किया है। कामकी गांव है थाना कोलारस में, जिसमें लल्लू राम केवट की लाश 12 तारीख को सुबह खेत पर पड़ी मिली थी, तो काफी छोटे थी, तो उसमें तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर मौके की जांच अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रश्न पंजीबद्ध किया था। हमारे ज्योति साहब अमरनाथ शर्मा जी और डी आई सतीश और उनकी पूरी टीम ने उसके बारे में बारीकी से बातचीत करी, तो ये पता लगा कि पड़ोस बलबीर का खेत है और उससे कुछ विवाद चलता था इनका, तो उस पर बातचीत करने के बाद में शुरू में उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर घर पर उसकी जब सर्चिंग की गई तो उसके ब्लड के कपड़े और जो लाठी जिससे उसने मारा था उसमें ब्लड लगा था वो बरामद हुआ है। उसके पूछताछ से उसने स्वीकार किया है कि उसने ये आरोप मृतक को मारपीट की थी लाठियों से, और उसका कारण उसने अपना ये बताया है कि हमको गाली गलौज कर रहा था और उनसे खेत पर से भी विवाद करता था। तो पुलिस को एक अच्छी सफलता लाइन मर्डर में की खुलासे में मिली है, और ये अच्छा काम पीआई सतीश चौहान उनकी टीम ने किया है, खुलासे तो उनको प्रोस्कृत किया जाए। सर कोई पुरानी रंजित वगैरह उनका भी खेत पास में है, तो कुछ कुछ खेत की मेड़ पर भी विवाद होता था, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आरोपी जो है ये मृतक का खेत खरीदना चाहता था, उसके लिए भी प्रेशर बनाता था और मृतक जो है इस बात के लिए नाराज था और कुछ बोला होगा उसने, उस पर से ये मर्डर हुआ।